लेबर कार्ड बनाओ, दूसरे नंबर जेड़ा श्रम कार्ड को काखा दे दो। ओ भाई श्रम कार्ड भी बड़ा जरूरी बनाना तुसें, ते ओदे बाद भी तुस आखन जेड़े पेंशन वाला, ओ के सिस्टम है ओ भाई? पेंशन वाला दे बड़ा सोहना सिस्टम है, 15 साल कोला लेइए ते 40 साल बच्चे, ओ भाई 18 साल कशा लेइए ते 40 साल तक जेड़े भी गरीब न रेहड़ी आले दिहाड़ी आले कोई भी मजदूरी कर रहा कनेहा भी काम करता, और ड्राइवर कनेक्टर भी आंदे, ड्राइवर कनेक्टर सारे आंदे। अच्छा अच्छा अच्छा, ते उने ओ कार्ड बनाना ते जेले उने 60 साल हो जाना। हां जी, ते पी नंद नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है, और साथियों मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। अगर भारत सरकार की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी तरफ से योजनाएं जो हैं वो आम लोगों के लिए लॉन्च की गई हैं, और आज भी एक योजना जो है उसी के ऊपर हम आपकी बैंक जो है वो असिस्टेंट लेबर रियासी से करवाएंगे, क्योंकि आज उनकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, और क्या ये पूरा आज का कार्यक्रम था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी मैम, स्वागत है सबसे पहले NH1 में। तो मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनको बताएं। आज हमने यहाँ पर एक नुक्कड़ कार्यक्रम किया इन कलाकारों की मदद से, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो आई है लोगों के लिए, यह एक पेंशन स्कीम है। इसमें 18 से 40 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति जिसका ना ESI करता है ना PF करता है, और जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है, मतलब जिसका आय जो है मासिक 15,000 से कम है, तो अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाएंगे। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उनको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। आज ये अमाउंट 3,000 है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये 3,000 से बढ़कर 5 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 20 साल के बाद उस वक्त जो भी पैसे की वैल्यू होगी। क्योंकि ये जो स्कीमें हैं ये भारत सरकार लोगों के लिए लाई है, तो उस वक्त डेफिनेटली सरकार फिर से इसके ऊपर गौर कर सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कर सकती है, क्योंकि सरकार जो होती है वो लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा होती है और उनके बेनिफिट के बारे में सोचती है। तो इसीलिए हमने लोगों तक पहुँचने के लिए आज यहाँ पर रियासी के बस स्टैंड में ये प्रोग्राम किया और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट की सारी स्कीमें हर उस व्यक्ति तक पहुँचाए जो इस योजनाओं के अंदर फॉल करता है। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से रियासी के सभी लोगों से, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो रेहड़ी वाले हैं, बड़ी वाले हैं, ब्यूटिशियंस हैं, टेलर हैं, दूध वाले हैं, घरों में काम करने वाले हैं, जो भी हैं, जो भी आप अपने दिमाग में इस क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिनके नाम आप सोच सकते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन बढ़ चढ़ कर करवाएं। अब ये सवाल उठता है कि कहाँ जाके करवाने हैं। अपने नज़दीकी सेंटर CAC सेंटर में जाएं, वहाँ पे आपने एक आधार कार्ड लेना है और साथ में जो है एक बैंक की कॉपी लेनी है, आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक की कॉपी लेके जानी है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, आपका ईश्रम भी बना होना चाहिए, क्योंकि वो एक लिंक मांगता है ईश्रम का, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैम, इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है और कब तक जितने भी प्रोसेस है ये चलेगा? इसकी जो एज लिमिट है ये है 18 से 40 साल। 18 से 40 साल के बीच में जो भी व्यक्ति वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो सारी हमारे पास जिसमें क्वेरीज आई थी कि जो 40+ लोग थे वो भी करना चाहते थे, लेकिन ये बड़ी निराशाजनक बात है कि हम उनको नहीं इसमें रजिस्टर करा सकते, क्योंकि स्कीम ही इस तरह से लॉन्च की गई है कि 18 से 40 साल के बीच में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हम रजिस्टर करवाएं। और इसमें एक और बात मैं बताऊंगी कि एज के हिसाब से आपके अकाउंट से छोटी सी एक अमाउंट काटी जाएगी। जैसे अगर आप 18 साल के हैं तो आपको 55 रुपये देने हैं, और 55 रुपये जो है भारत सरकार देगी। वैसे ही अगर आप 35 साल के हैं तो कोई 160 रुपये या 170 के करीब आप देंगे और 170 भारत सरकार देगी। अगर आप 40 साल के हैं तो 200 रुपये आप देंगे और 270 रुपये भारत सरकार देगी।
तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत छोटी अमाउंट है। हम तो अपने घरों में ऐसे ही चलते फिरते दुकानों पे खड़े खड़े एक ही दिन में या आधे घंटे में 100-200 रुपए गवा देते हैं कुछ खर्च, चिप्स चुप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने में। तो ये मैं ये कहूँगी, आप लोगों से गुजारिश करूँगी, आज हम सोचते हैं कि 20 साल किसने देखे हैं, बेशक 20 साल किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता, वक्त बहुत तेजी से निकल जाता है। कल हम छोटे से बच्चे थे, आज हम उन्हीं बच्चों के माँ बाप बन गए हैं। तो कोई पता ही नहीं चलता है कब आप 40 साल से 60 साल में हो जाएंगे। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है? इसमें कोई अंतिम तिथि नहीं है, ये ओपन है। जब भी कोई भी व्यक्ति इसमें करवाना चाहता है, इस एज क्राइटेरिया में फॉल होता है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रियासी, तो फिर से बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण आज इनकी तरफ से यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, और उसका उद्देश्य एक ही कि यहाँ के जनमानस को तक ये बात पहुँचाना, क्योंकि पेंशन की बात की है, पेंशन अब सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज को नहीं बल्कि जो भी बाहर मजदूर हैं या फिर रेडी वाले पे या ट्रक ड्राइवर कुछ कोई भी हो उनकी भी पेंशन लग सकती है। प्रोसेस इन्होंने बता दिया है, और जानकारी के लिए आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। लेबर कार्ड बनाओ, दूसरे नंबर हो जेड़ा श्रम कार्ड को काखा दे दो। ओ भाई श्रम कार्ड भी बड़ा जरूरी बनाना तुसें, ते ओदे बाद भी तुस आखन जेड़े पेंशन वाला हो के सिस्टम है। ओ भाई पेंशन वाला दे बड़ा सोणा सिस्टम है, 15 साले कोला लेइए ते 40 साले दे बच्चे। ओ भाई 18 साल कशा लेइए ते 40 साल तक जेड़े भी गरीब न रेड़ी वाले हां दिहाड़ी वाले हां जी कोई भी मजदूरी करता है कनेहा भी काम करता, और ड्राइवर कनेक्टर भी आंदे, ड्राइवर कनेक्टर सारे आंदे। अच्छा अच्छा अच्छा। ते उने ओ कार्ड बनाना ते जेले उने 60 साल हो जाना। हां जी। ते पी नंद ओ केनी नंद वाला भांगा भी आना कोई? ओ नहीं पी पेंशन थोड़ी पेंशन। अच्छा पेंशन जेड़े लेबर तबका उसी भी पेंशन तो ही चाहिए? पहले छड़ी गवर्नमेंट दे मुलाजमे की पेंशन थोंदी ही। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ भाई धन्यवाद साडे नरेंद्र मोदी साहब दा, सारे लेबर कमिश्नर मैडम का, वो जिन्हें स्कीम के बारे च सोचा। अच्छा अच्छा, एदा मतलब ये है कि 60 साल के बाद पेंशन भी लगी सकती है? बिल्कुल पेंशन लगी सकती है। और ये पेंशन के बारे च अगर तुसें जानना था थाने रियासी दी जेड़ियां लेबर कमिश्नर मैडम ने इंदे दफ्तर जाना ते इंदे कन्ने वार्तालाप करनी, जे भी तुसें पुछना जां कोई जानकारी चाहिदी होवे सब गै लब्भी जानी, ये पता कर लेना। ते अगर तू अपने ताई तू रोने वाले जेड़े गरीब तबका भी ध्याड़ीदार लाने वाले जां कुदै जेड़े ड्राइवर कनेक्टर ने जां कोई अपना ध्याड़ी दूड़ी लांदे मिस्त्रियां दा काम करदे कोई लेबर तबका जेड़ा भी है उंदे तक सुनेहा पजाना, ते लेबर कमिश्नर मैडम दे दफ्तर जाना, ते उत्थे जाइयै अपने जे भी स्कीमां हैन थुआढ़े आस्तै ओह सारियां तुसें पुछनियां, ते ओहदा तुसें पूरा लाभ भाई। जेड़ी मेन स्कीम है वो है 18 साल कशा लेइयै 40 साल तक जेड़ी भी उम्र है ओ अपनी पेंशन योजना आस्तै अप्लाई कर सकदा, फार्म भर सकदा, ते उसी जेह्ड़ा ये लाभ थोई सकदा। ओदी पूरी स्कीमें दा जेह्ड़ी जानकारी है ओ मैडम होर आपे तुसें ही हुण आनी सुनांगन। कन्ने गल्ल सुनो, दफ्तर भी जाना, अगर भाई दफ्तर जाने दा टाइम है नहीं तुसें लोकें गी, अगर तुस चक्कर नहीं लाई सकदे ते तुहाडे आंढ गुआंढ गौरमेंट ने CSC सेंटर खोले दे, केह खोले दे? CSC सेंटर खोले दे भाई, उत्थे जाओ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, ते ये जेड़ी पेंशन योजना एदा लाभ लाओ। 60 साले बाद जेले बुड्ढे होई जागे चलने होश नहीं होग, लेकिन गवर्नमेंट दे घर बैठे 3000 रुपया देना, हो सकदा तैनू 5 देवे 10 देवे बाद दी कहानी है। पहले जरूर पेंशन योजना लाओ ते अपना लेबर कार्ड बनाओ। जोरदार ताड़ियां रियासी लेबर कमिश्नर मैडम वास्तै। बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसें।